गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम टोमेस कौर है और मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है वो वेल है। ये वेल का डायग्राम है, इसमें हम देख सकते हैं इसमें ब्लू होल पाया जाता है, डार्सल फिन पाई जाती है, पेडुंकल पाई जाती है, फ्लूक पाई जाती है और फ्लिपर पाया जाती है, आइस एयर आदि पाया जाता है। ये जो है एक समुद्री ऑर्गेनिज्म होता है, जो वेल होता है। अब इसका क्लासिफिकेशन देखें तो किंगडम होगा एनिमेलिया, फाइलम होगा कॉर्डेटा, क्लास होगा मैमेलिया, ऑर्डर रहेगा आर्टियोडेक्टिला, इंफ्रा जो ऑर्डर है वो सिटेसी है, जीनस है बेनिनोप्टेरा। इसका हैबिटेट देखते हैं। वेल समुद्र में रहने के बावजूद एक स्तनधारी जीव है, ये स्वेडन और मछलियों को खाती है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, वेल सार्क गर्म और उष्ण कटिबंधी के समुद्रों में पाया जाता है। ये भारतीय महासागर, प्रशांत महासागर, ध्रुवीय समुद्रों के पास के जो जल संवेदी क्षेत्र होते हैं वहाँ पाया जाता है। इसका कमेंट्स है, ये वेल स्वेडन मछलियों को मुँह चूस कर या पकड़ कर या काट कर पकड़ती है। वेल गलफड़ों से सांस नहीं लेते बल्कि पीठ के छेद से जो है सांस लेते हैं। वेल को सांस लेने के लिए समुद्र की सतह पर आना पड़ता है। विशाल ब्लू वेल की जो लंबाई होती है वो लगभग 100 फुट और जो वजन होता है वो 150 टन होता है। ये गर्म खून वाले होते हैं, जीवित बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं और इनमें जो है बाल पाए जाते हैं। वेल पूरी तरह से जलीय खुले समुद्र में रहने वाले जीव हैं। थैंक यू।